तो जय गायत्री माँ आप सभी मित्रों को। और आज हम बताएंगे सरफुंका के बारे में। सरफुंका प्रायः भारतवर्ष के समस्त क्षेत्रों में उपलब्ध होता है। यह दो तरह की होती है, जो आप देख रहे हो गुलाबी वाली, एक होती है सफ़ेद वाली। तो आज हम गुलाबी वाली की बात करेंगे। दोनों का गुणधर्म समान है। यह इसको संस्कृत में सरफुंका पीढ़ा शत्रु के नाम से जानते हैं, हिंदी में सरफुंका सरफुंका इनके नाम से इसको जानते हैं। और इसके यह कपवात को समन करने वाली, पीढ़ा रोग को नाश करने वाली, कुष्ठ रोग और विष को, घाव को और इसके साथ गर्भ को उत्तेजना करने वाली वनौषधि मानी गई है। मेरे हाथ में इनके बीज देख रहे हो, पूर्ण रूप से हुए पुष्ट हो गया है, सूखने को बाकी है। और इसके साथ हम श्वास रोग में सरफुंका दो दो ग्राम लाओ, उसमें मिला लीजिए आपको लवण और शहद के साथ नित्य सेवन करने से आपके श्वास रोग को दूर करता है। इसके साथ में कुष्ठ रोग में इनके पत्तों का रस दिन में 3 बार पीने से कुष्ठ रोग को भी यह समन करती है। मूत्र कीच में इनके पत्तों को पानी में काढ़ा बना करके 2-3 काली मिर्ची डाल करके पीने से मूत्र कीच बंद मूत्र को खोल देती है। अतिसार में इसका क्वाथ बना करके लौंग डाल करके दिन में 3-4 बार पीने से अतिसार जो है ज़्यादा दस्त होता है, पतला दस्त, उसमें भी यह काम करते। शरीर में जलन हो तो इसके बीज को पीस करके 1 गिलास पानी में भिगो दे और छान करके पीने से बुखार और शरीर में जो जलन होता है उसको यह निवारण करता है यह सरफुंका। घाव में इसके जड़ को पीस करके और शहद मिलाकर लगाने से घाव को भी बढ़ता है। पेट दर्द में इसके जड़ को खोद करके खाने से पेट दर्द ठीक होता है। यह मेरे द्वारा पूर्ण रूप से परीक्षित आजमाई गई शर्तिया प्रयोग है।